देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य संगठनों की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई है और इन सभी याचिकाओं पर आज एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या का मामला कोर्ट पहुंच गया है। आज हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट में अर्जी दी है। इस मामले में और कई याचिकाएं दी गई हैं। कोर्ट सभी याचिका का एक साथ सुनवाई करेगा। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। घटना को दबाने का आरोप लगाया गया है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया से पीड़िता का नाम हटाने का आदेश देने की भी अपील की गई है। इस बीच हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक हत्या से पहले डॉक्टर के साथ रेप हुआ, गला घोटकर हत्या की गई, शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, प्राइवेट पार्ट पर गहरे घाव के निशान मिले, जांच के लिए डीएनए सैंपल भेज दिए गए हैं। रेप और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस की पूछताछ जारी है। अस्पताल के कई कर्मचारी से पूछताछ की गई। पीड़िता के घर घटना के बाद सबसे पहले फोन करने वाले शख्स से भी पूछताछ की गई। जांच में जुटे एसआईटी सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 63 कर दी गई है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार तक पुलिस को इस पूरे मामले की जांच को कंप्लीट करने या फिर मामले को सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया। महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर जैसी जघन्य घटना सामने आते ही कोलकाता उबल पड़ा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स दरिंदगी के विरोध में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में निकाले गए मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मामले की तह तक तफ्तीश के लिए पुलिस को डेडलाइन दे दी है। ममता बनर्जी की सरकार मामले की जांच के लिए पहले एसआईटी बना चुकी है। एसआईटी जांच में जुटी है, कई सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स को सीबीआई जांच से कम पर कोई मंजूर नहीं है। बीजेपी भी यही चाहती है। मुख्यमंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप सीबीआई के हाथ में दे दीजिए। ये कोलकाता पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, सीआईडी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर के देशव्यापी प्रदर्शन के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बदनामी हो रही है। देखिए, मेडिकल एसोसिएशन के फेडरेशन ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है और आज से वो भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। लिहाजा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी ओपीडी और सर्जरी जैसी मेडिकल सेवाओं से दूर हो गए। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरिंदगी के विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हो गया है। यानी आज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी ओपीडी और सर्जरी अटेंड नहीं करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय की कोर टीम से कई दौर की बात की। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए उपाय किए जाने की मांग की। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोडक्शन एक्ट में बदलाव की मांग की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ मांगों पर सहमति जताई है। फिलहाल हमारा जो है स्टेटस को है, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। हमें लगता है कि कंसेंसस रहेगा कि जो स्टेटस को था स्ट्राइक का, दैट विल कंटिन्यू विद आवर इलेक्टिव सर्विसेज हॉल्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टर्स के हड़ताल का समर्थन किया है और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार से कार्रवाई की मांगों का जिक्र है। डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर भी आज हड़ताल पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन पीड़िता का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, जिस वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नौकरी के नाम पर झांसा देकर नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजे गए समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव से पुलिस सच्चाई जानने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि पीड़ित लड़की को 6 घंटे अस्पताल में रखा गया, लेकिन उसका मेडिकल नहीं कराया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। बच्ची को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया। पतिजनक
हालत में अभियुक्त नवाब सिंह हिरासत में लिया गया, जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। पुलिस और यहाँ के पूंजीपत मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आरोपी नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता है, लिहाजा सियासत भी जोरों पर है। अयोध्या के बाद इस प्रकार की दूसरी घटना, वो भी बच्ची के साथ में, और यहाँ जहाँ रंगे हाथ मामला पकड़ा गया, तो आखिर ये सब क्या है? साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर DNA टेस्ट आ रहे थे कराने के लिए, ना यूं थे करा लें। देखिए, देश के कई हिस्सों खासकर की उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, और आज भी उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान पर आसमानी कहर टूट पड़ा है, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। जयपुर में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। CM भजन लाल शर्मा ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती बांध लबालब भर चुका है। बांध को बचाने के लिए 2 गेट खोले गए, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान के करौली में हालात में कोई सुधार नहीं है, लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। राजस्थान के दौसा में खेतों और घरों के साथ सड़कों पर लबालब पानी भरा है, लोगों की आवाजाही भी बंद है। मध्य प्रदेश के गुना में पार्वती नदी उफान पर है, जिसके चलते गुना से राजस्थान को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर आवागमन बंद हो गया है। UP में भी बारिश का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, आम लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगला में नेपाल आए 69 लोग तमसा नदी में फंस गए, SSB ने रेस्क्यू किया।